Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, Lord. Bless your name. Bless your name. Bless your name, wonderful Jesus. We bless your holy name, wonderful Jesus. Bless your holy name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Lord Jesus, we bless your name. Lord Jesus, Lord Jesus, we glorify your name. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, glorious Jesus. Bless your name. Lord Jesus, we 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 bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਚਟਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਸੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਸਭ ਆਸੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਸਭ ਐ ਉਮਤੋ ਸਦਾ ਐ ਉਮਤੋ ਸਦਾ ਚੁਕਾਵੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚੁਕਾਵੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਚਟਾਨ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਯੋਰ ਨੇਮ ਫਾਦਰ ਵੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਯੂ ਬਲੈਸਡ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਮ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਥਰੂ ਦ ਸ਼ੈਡ ਬਲੱਡ ਆਫ ਯਹੂਸ਼ਾ ਮਸ਼ਿਆ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰੋਸ ਆਫ ਕੈਲਵਰੀ ਥਰੂ ਹਿਸ ਹੋਲੀ ਬਲੱਡ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਯੋਰ ਥਰੋਨ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫਾਦਰ ਆਈ ਲਿਫਟ ਅਪ ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ and his wife before you. I speak your hand and your blessing. And Lord, I speak your blessing, your covenanted blessing over everyone that is joined online, Father. Release your favor and release the blood of the Lamb, your presence and your power and your virtue. Hallelujah. Dhanyavad ho. Prabhu tere naam ki mahima ho. Hallelujah. Teri stuti ho, Prabhu. Teri stuti ho. Stuti ho. स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो प्रभु धन्यवाद हो यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करते हैं तेरे नाम की महिमा करते हैं तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं एनर्जाइज अस
with your presence, with your anointing, Lord. Energize us in a very, very special manner. Hallelujah. Tera dhanyavaad. Yeshu Masih ke naam mein. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के वचन में से मैं कंटिन्यू करूंगा जो विषय पे हम लगभग चार बार मनन कर चुके हैं. जीसस क्राइस्ट इज आवर रेस्ट. प्रभु यीशु मसीह आराम है. हालेलुया. तो मैंने आपको बताया कि इस के विषय में प्रभु ने क्या कहा. प्रभु ने कहा कि प्रभु के वचन में मैंने पढ़ा था इब्रानियों 3:10. एंड सो आई वॉज प्रोवोक्ड डिसप्लीज विद दिस जनरेशन. प्रभु ने कहा इस पीढ़ी ने, इसराइलियों की इस जनरेशन ने परमेश्वर की सामर्थ्य पे भरोसा नहीं. परमेश्वर को क्रोध कैसे दिलाते हो? कैसे परमेश्वर के एंगर को, परमेश्वर के क्रोध को आप भड़का सकते हो जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य पे विश्वास करने से जब उन जासूसों ने उस देश को देखा जिसमें दानव थे, जायंट थे, बड़े बड़े स्टैचर के जायंट थे. उन्होंने अपने आप को टिड्डों के रूप में देखा और दानव बहुत बड़े बड़े थे, ट्रीज के जितने बड़े बड़े, वृक्षों के जितने बड़े बड़े थे शायद वो. लेकिन वो धरती बहुत फलवंत थी, वहाँ पे सचमुच दूध और शहद की धाराएं बहती थी. वाइल्ड हनी था, वाइल्ड जो शहद होता है, बेहतरीन किस्म का भरा पड़ा था. और जंगली बकरियां दूध से लदी हुई थी और उस देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी. वहाँ पे प्रथम वर्षा पड़ती है, स्वर्ग की ओस उसे भिगोती है. वहाँ पे अंतिम वर्षा पड़ती है, यहोवा की आँख उस साल के पहले दिन से लेके साल के अंतिम दिन तक. इसराइलियों ने पहले यहोवा के इतने बड़े बड़े काम देखे, लेकिन जब दानवों को उन्होंने देखा, आपको मालूम उन्होंने क्या किया है? दे डिड नॉट वॉक बाय फेथ. वो आँखों से देखने के द्वारा चले. हम विश्वास करते हैं, हम आँखों से देखने के द्वारा नहीं चलते. जो आपकी परिस्थितियाँ, जो आपके हालात आपको दिखाते हैं, जो आपकी ज्ञान इंद्रियाँ आपको सुझाती हैं, आप उन पर भरोसा नहीं करते. आप विश्वास की आंख के द्वारा देखते हो. और जब इसराइल के 10 जासूसों ने कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए और उन्होंने यहोवा परमेश्वर का अनादर किया, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य पे भरोसा नहीं करते हो तो आप अविश्वास से भर जाते हो. मैंने आपको बताया अपिस्टिस कार दिया, मैंने आपको बताया पुरनियो कार दिया, और मैंने आपको बताया कार्डियर सक्लोरोसिस. इसराइलियों के दिल की तीन दशाएं, कार्डियर सक्लोरोसिस. प्रभु क्या कहता है? अगर आज तुम मेरी आवाज़ को सुनो तो अपने दिल कठोर मत करना. कार्डियर सक्लोरोसिस, अपने दिल कठोर मत करना. फिर प्रभु अपने वचन में क्या कहता है? प्रभु अपने वचन में कहता है कि ये जो लोग थे बनी इसराइल के, इसराइली लोग, कहता है इनके दिल जो थे, इब्रानियों के पत्री 3, इनके दिल दुष्ट थे, पोर्निया कर दिया, विकेड थे. मैंने आपको बताया कैसे दिल थे, विकेड, पोर्निया कर दिया. हालेलुया. पोर्नियोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉरली नैतिक तौर पे भ्रष्ट, स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पे परवर्ट, और इमोशनली सोशियोलॉजिकली करप्ट. हालेलुया. करप्ट दिल था इनका, हृदय के अंदर शैतान समा गया. और पोर्निया कर दिया, दुष्ट दिल था इनका, हो गया. और कर दिया सक्लोरोसिस, इन्होंने अपने तंग कर लिया, सख्त कर लिया. और प्रभु क्या कहता है? ये नाश क्यों हुए? प्रभु के वचन में लिखा है ये इसलिए नाश हुए. हालेलुया. पढ़िए, एक वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 3 में से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. हालेलुया. इब्रानियों की पत्री में सुनिए प्रभु क्या कहता है. प्रभु कहता है मेरा दिल, मेरे को इन लोगों ने क्रोध मेरा भड़काया, और मैं इस जनरेशन से क्रोध से भर गया. मैंने कहा दे ऑलवेज एर इन देयर हार्ट्स,
वो अपने दिलों में हमेशा गलती करते हैं, एंड दे हैव नॉट परसीव्ड रिकग्नाइज्ड माई वे, इन्होंने मेरा मार्ग नहीं जाना। और मैंने आपको बताया यहोवा का मार्ग है मत्ती सात की, हालेलुया, तंग फाटक, हालेलुया, मार्ग है हुडोस और तंग है थिलीबो, थिलीबो हुडोस, सकरा मार्ग और तंग राह, जहाँ पे शरीर, शरीर की वासनाएं, उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाता है। आप दोबारा वो गंदगी भरा जीवन नहीं जी सकते इस पथ के अगर राही आप बनते हो, इस मार्ग पे चलते हो। इस रैली आप अधर्म, बदकारी और गंदे कामों में मुबतला रहे, यहोवा का मार्ग नहीं जाना। आज भी चर्च यहोवा का मार्ग नहीं जानती है। मत्ती तंग गेट है, सकरा मार्ग है और डेली क्रॉस है। जैसे पुराने नियम में मैंने आपको इस वचन के शुरू में बताया कि टैबरनेकल के बाहर, तंबू के बाहर और सुलेमान की हैकल के बाहर सबसे पहले पीतल की जगवेदी है, जहाँ पे जानवर को कुर्बान किया जाता, बल्कि जला दिया जाता है, वो है डेली क्रॉस। आप क्रूस के पास प्रतिदिन आते हो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन, अपने शरीर को जीविता, मन भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाते हो। ये है प्रभु का मार्ग। फिर क्रूस उठाते हो और अपने आप का इनकार करते हो और प्रभु के लिए जीते हो। इसराइल ने ये मार्ग नहीं जाना। दो मार्ग हैं, एक चौड़ा है, एक तंग है। ये दुनिया में बाकी सब मार्ग चौड़े मार्ग हैं। तो प्रभु 11 वचन में क्या कहता है, अकॉर्डिंगली आई स्वोर इन माई रॉथ एंड इंडिग्नेशन दे शैल नॉट एंटर माई रेस्ट, वो मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। प्रभु ने अपने आराम में प्रवेश करने से इसराइलियों को वंचित कर दिया। हालेलुया, वो यहोवा के विश्राम में दाखिल नहीं हुए। मौजे देखे, चमत्कार देखे, आग का खम्बा देखा, जलाल का बादल देखा, मन्ना बरसते देखा, चट्टान पानी पिलाते देखा, लेकिन वो यहोवा के आराम में नहीं प्रवेश किए। आपको मालूम क्या यहोवा का आराम, यहोवा के आराम के लिए ग्रीक वर्ड है काथाफोसिस, काथाफोसिस। हालेलुया, जो मैं मिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ, दो शब्दों की मिस्ट्री है, एक है सबाटिस्मोस और दूसरा है काथाफोसिस। जब परमेश्वर आराम की बात कर रहा है, यहाँ पे परमेश्वर सबाटिस्मोस की बात नहीं कर रहा है। तो जाते हैं कि हमें सबत मानना पड़ेगा, सबत की बात नहीं है ये काथाफोसिस। आराम का मतलब हिब्रू ग्रीक में काथापोसिस, काथा का मतलब होता है डाउन, पोसिस का मतलब पॉज, अंग्रेजी का शब्द पॉज यहाँ से निकला है। पॉज का मतलब हर चीज रुक जाती है, थम जाती है। प्रभु चाहता है कि आप उस रेल्म में पहुंचे जहां आप आराम कर रहे हैं प्रभु में। प्रभु आपके लिए काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे, प्रभु आपके लिए काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, प्रभु की सामर्थ काम कर रही है और आप प्रभु के आराम में प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो 3:19 में क्या लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों 3:19 वचन, सुनिए जो मेन कुंजी है। इब्रानियों 3:19 में लिखा है, सो वी सी दैट दे वर नॉट एबल टू एंटर इन टू हिज रेस्ट। हिब्रूज 3:19 में प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, तो आओ हम देखें कि जैसे वो बनी इसराइल को बियाबान की कलीसिया कहा गया है, देवर द चर्च इन द विल्डनेस, लेकिन वो अपनी मिरास के वारिस नहीं बने, दे नेवर पजेस द प्रामिसेस, दे कुड नेवर इनहेरिट द कवेनेंट, दे कुड नेवर वॉक इन द रियालिटी ऑफ व्हाट गॉड सेड वुड बी देयर डेस्टिनी, दे मिस्ड इट। वो उन बरकतों के बारिस ना हुए, वो उस ज़मीन के हकदार ना हुए जहाँ दूध और शहद की धाराएँ बहती हैं, वो उन आशीषों को पा नहीं सके। यहाँ पे क्या लिखा है, सी दैट दे वर नॉट एबल टू एंटर इनटू हिज रेस्ट, वो उसके आराम में दाखिल नहीं हुए। क्यों, कौन से आराम में, काथाफोसिस। काथाफोसिस का मतलब जब परमेश्वर आपको कहता है सेटल डाउन हो जाओ, विश्राम कर, आराम से अब सेटल डाउन हो, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ।
उस परिस्थिति में इसराइल नहीं पहुंचा। कहता पौलुस, जब परमेश्वर आपको कहता नाउ यू सेटल डाउन, नाउ यू नेसल, डोंट रेसल बट नेसल इन मी, टेक रेस्ट, इसराइल उसके अंदर दाखिल नहीं हो सका। तो क्या कहता है, बिकॉज ऑफ देयर अनविलिंगनेस टू अडहियर एंड टू ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन गॉड। प्रभु क्या कहता है यहां पे, प्रभु कहता है इसराइल क्यों नहीं दाखिल हुआ, क्यों नहीं हुआ, अपिस्टिस कार दिया, हिब्रू ग्रीक वर्ड है अपिस्टिस कार दिया, पिस्टिस का मतलब होता है विश्वास। जब उसके आगे अल्फा प्रिविटिव लग जाता है, अल्फा प्रिविटिव ग्रीक ग्रामर में उस शब्द को नेगेटिव बना देता है, पिस्टिस का मतलब है विश्वास, तो उसके आगे अल्फा प्रिविटिव लग गया तो वो बन गया अविश्वास, अविश्वासी दिल था इसराइलियों का, विश्वासी दिल नहीं था। वो ये नहीं यकीन कर सके कि यहोवा इन दानवों को हरा सकता है और हमें ये धरती दे सकता है। आपको मालूम, बहुत सारे लोगों के अंदर अपिस्टिस कार दिया है, अविश्वास का दिल है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा नहीं करते, वो अपने बल पे, पैसा है मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मैं, मेरे पास डॉक्टर्स हैं, आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, मेरी बहुत पहुँच है। भाई और बहनों, अपनी आस, अपनी ढाल, अपनी चट्टान संसार को मत बनाइए, हालेलुया, केवल प्रभु को बनाइए। मरुभूमि में प्रभु इसराइलियों को परीक्षाओं में से लेके, आपको मालूम परमेश्वर आपके विश्वास की परख करेगा। आप कहते हो ना, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु पे भरोसा करता हूँ, प्रभु पे प्यार करता हूँ, प्रभु आपके विश्वास को परखेगा। क्या लिखा है पहला पत्रस 4:12 में, पहला पत्रस 4:12 में लिखा है, प्रेरित पत्रस उस कलीसिया को पत्री लिख रहा है। इस समय ये कलीसिया सताई जा रही है, नीरो जो राजा है वो पागल हो चुका है, उसके अंदर शैतानी आत्माएं घुस चुकी हैं, और वो प्रभु के नाम लेने वाले लोगों को जेलों में डालता है और भूखे शेरों के आगे फेंकता है मसीहों को। और नीरो पता क्या करता है, नीरो इतना दुष्ट राजा है, नीरो पार्टीज करता है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज, मांस मदिरा का सेवन करता है, नाचने वालियाँ आती हैं वहाँ पर, हर तरह की रंगरेलियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन नीरो क्या करता था, जब ये पार्टीज करता था बड़ी बड़ी, नीरो वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं करता था, अंधेरे में एक बड़े पार्क में यह काम किया जाता था, अंधेरा होता था। तो नीरो इतना बहशी था, उसके अंदर इस कदर शैतानी आत्मा घुसी थी, वो मसीह लोगों को जेल में से निकाल के लाता था, दो मसीहों को पीठ से बांध दिया जाता था, ऐसे बैक दोनों की बांध दी जाती थी, और उन्हें इस पार्क में छोड़ दिया जाता था, और उनके ऊपर तेल डाल दिया जाता था, तेल, और उन्हें आग लगा दी जाती थी। जिंदा मसीह लोग जलते थे, उनके शरीर में आग लगती थी, और वो जो रोशनी पैदा होती थी मसीहों के जलते जिस्मों से, जो रोशनी निकलती थी, उस रोशनी में नीरो दारू पीता था, मदिरा पीता था, और नीरो नाच रंग देखता था, इतना बहशी और दरिंदा राजा था नीरो। तो क्या लिखता है प्रेरित पौलुस, प्रभु का दास, पहला पत्रस 4:12 पढ़ें, पहले पत्रस 4:12 में प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, जो विपत्तियों का लाम्बू तुम्हें लगा है, द फायरी ट्रायल, द फ्लेम्स ऑफ फायर दैट आर ट्राइंग यू, ये जो विपत्तियों की आग तुम्हें लगी है, ये कोई नई बात नहीं है। जितने प्रभु के इस मार्ग से गुजरे हैं वो इस आग के द्वारा ट्राई किए गए हैं, आग के द्वारा परखे गए हैं। क्या कहता है, डू नॉट कंसिडर इट स्ट्रेंज थिंग। स्ट्रेंज के लिए यहाँ पे जो शब्द प्रेरित पत्रस इस्तेमाल करता है वो ग्रीक वर्ड है केनीजो। इस शब्द का आपको मालूम मतलब क्या होता है, प्रेरित पौलुस कहता है जब विपत्तियों से, दुखों से, इतने घनघोर दुखों से वो पहली कलीसिया गुजर रही है कि उन्हें बांध के जला दिया जाता है, और उनके जलते बदनों की आग में नीरो अयाशी करता है, अपनी पार्टियां करता है। प्रभु का दास कहता है जब इन विपत्तियों की भट्टियों में से, आग में से तुम गुजर रहे हो, तो इसे अजनबी चीज मत समझना, स्ट्रेंज चीज मत समझना। इसका मतलब आपको मालूम क्या है, स्ट्रेंज गेस्ट, जैसे कभी कोई 20 साल में मेहमान आपके घर में आ जाए, प्रेरित पौलुस कहता है ये विपत्तियां उस गेस्ट की तरह नहीं है, उस मेहमान की तरह नहीं है जो कहीं 20 साल के बाद आपके जीवन में आएगा, ये हमारे जीवन का हिस्सा है।
ये है तंग मार्ग, ये मार्ग उन्होंने ढूंढा नहीं। क्यों नाश हुई पहली कलीसिया? इसराइल की कलीसिया, उसे बियाबान की कलीसिया कहा गया है। प्रेरित पत्री लिखने वाला, इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कि वो कलीसिया दाखिल नहीं हुई, वो आराम में नहीं गई और वो नाश हो गई। उसकी वजह क्या थी जानते? क्या वजह थी? अपिस्टिस कर दिया, अविश्वासी दिल थे। और प्रभु क्या कहता है 10 इब्रानियों 3:10 में? उन्होंने मेरे राह को नहीं जाना। मरुभूमि में वो चौड़े मार्ग पे चलना चाहते थे, पाप के, गंदगी के, हरामकारी के राह पे। वो तंग मार्ग पे, थिलीबो हुडोस, मत्ती 7:14, सकरे मार्ग से प्रवेश करो और तंग राह पे चलो, क्योंकि तंग राह है जो जीवन देगा, अनंत जीवन। चौड़ा राह भी है, ये चर्च के अंदर दो राह हैं, नहीं बता रहा यीशु मसीह। ये कलीसिया के अंदर दो मार्ग हैं, ये दो तरह की तालीम है, एक झूठे नबियों की, झूठे प्रेरितों की, झूठे प्रचारकों की, झूठी शिक्षाएं जो परमेश्वर के जिंदा कलाम से, इस कलाम से मेल नहीं खाती हैं, जो संसार की मटेरियल चीज़ें इकट्ठी करो, अय्याशी भरा जीवन जियो संसार में, और तुम बहुत, जो संसार में जितना धन दौलत, जितनी संसारिक चीज़ें तुम्हारे पास होंगी, उतनी तुम्हारे पास आशीष है, उतने तुम ब्लेस्ड हो, ये सिखाया है वेस्ट के सुसमाचार ने लोगों को। और ये फॉल्स गॉस्पल है, ये सच्चा मार्ग नहीं है। इज़राइल गया ही नहीं, कलीसिया उठाई ही जा, कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा। जैसे इज़राइल नहीं गए वायदे की धरती में, इसी बात को इब्रानियों को लिखने वाला आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है। वो किस लिए नहीं गए? क्योंकि उन्होंने तंग राह नहीं लिया है, वो सकरे फाटक से नहीं घुसे, नैरो गेट से नहीं गए, और उन्होंने थलीबो, जो तंग राह था, वो नहीं लिया। उन्होंने डेली क्रॉस नहीं उठाया, उन्होंने अपने आप का इनकार नहीं किया, उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं की ज्योति अपने दिल में नहीं जलाई, वो नहीं गए। यहाँ पे लिखा है, प्रभु कहता है कि उन्होंने मेरा राह नहीं जाना, तो मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। तो हमें क्या चेतावनी दे रहा है ये सारी बातों से? हमें क्या शिक्षा दे रहा है इब्रानियों की पत्री लिखने वाला? कहता है सो वी सी दैट दे वर नॉट एबल टू एंटर इन टू हिज रेस्ट, वो उसके आराम में नहीं दाखिल हुए। कताफुसोस, प्रभु जब कहता है ना सेटल डाउन हो जा, आराम कर, मैं अब तेरे ऊपर बरकतों का मी बराने वाला हूँ, ये एक दशा है जब आप उसके आराम में घुसते हो, तब परमेश्वर ये ब्लेसिंग पोर आउट करता है। ये ब्लेसिंग तक पहुँचे ही नहीं, वो कलीसिया गई नहीं। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6:6 अंदर, जब यीशु मसीह ने इसराइली भीड़ को 5,000 को रोटी और मछलियों से खिला के तृप्त किया, तो उसने देखा कि ये रोटी के चक्कर में मेरे पीछे लगे हैं, तो वो उनसे कहने लगा मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। फिर उनसे कहता तुम्हारे बाप दादे थे वो जिन्होंने मरुभूमि में मन्ना खाया, मौजे देखे, चमत्कार देखे, लेकिन कनान में नहीं गए। बहुत सारी ये कलीसियाएँ जो अपने आप को कहते हैं ना, बहुत बड़ी एशिया की कलीसिया, संसार की फलानी चर्च, ये वो, दे आर नॉट मेकिंग इट, वो नहीं जा। ये मैं आपको इस कलाम की सच्चाई याद पे बता रहा हूँ। उन्होंने यहोवा, प्रभु कहता है इब्रानियों 3:10 में, तो क्या कहता है? क्योंकि वो आराम में नहीं घुसे, कताफुसोस, ये पॉसेस से वर्ड निकला है, पॉज, आराम, सब कुछ रुक गया, बस आराम करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह नाव के निचले हिस्से में जाके सो रहा है और तूफान और नाव में पानी भर रहा है, ये है कताफुसोस, ये है आराम। यीशु मसीह अपने जीवन में हर दिन हर पल आराम में जिया है, हालेलुया। तो क्या कहता है? बिकॉज ऑफ देयर अनविलिंगनेस टू अडहियर एंड टू ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन गॉड, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया है, उनके दिलों ने ईमान नहीं, दुश्मनों पे, शत्रुओं पे हमें विजय दे सकती। और बहनों, हमें परमेश्वर डिपेंड करना है। मैं ये आँख, ऐसे लग रहा था जैसे ब्लड आ गया इसके अंदर,
अभी ऑनलाइन है सुनीता कौर जी ब्रिटेन से, इन्होंने बताया कि इन्होंने किसी की आंख में जैसे चक्कू लगते थे, मैंने ऐसा फील किया कि शैतानी अटैक हुआ, बिल्कुल जैसे खून की तरह हो गई, मैं प्रभु के चरणों में बना रहा। इतनी सीरियस कंडीशन थी, बता रहा हूँ आप, मैं प्रभु के चरणों में बना रहा, मुझे हशेम यहुआ राफा, मेरा हशेम यहुआ राफा, मैं यहोवा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो भाई और बहनों, आपको परमेश्वर पे डिपेंड करना है, उस पे भरोसा रखना, बंदे पे नहीं रखना। डू नॉट ट्रस्ट द आर्म ऑफ फ्लैश, दे द चैरियट्स दे रिलाइड ऑन द माइट ऑफ द हॉर्सेस, दे हैव फॉलन डाउन, बट वी हैव स्टूड अप एंड वी शैल प्रिवेल, हालेलुया, एंड वी शैल डू वेलियंटली इन द नेम ऑफ द लॉर्ड अवर गॉड। ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड अलोन, दे रिफ्यूज टू ट्रस्ट द लॉर्ड, that the Lord is mightier than those giants, that the Lord's power is much, much greater, hallelujah, and exceedingly and abundantly more powerful than any sword that the enemy can wield against his people. They murmured, they complained, they grumbled, and they did not glorify God. So God became very angry. They provoked him. You know, your unbelief will provoke God. I told you, there were three conditions of the heart of the children of Israel. In Greek, chapter number 3, you find three times the mention of their heart, and there are three different adjective in the original Greek grammar. Paul says, cardia sclerosis, कि इनका दिल कठोर हो गया। फिर पलूस कहता है अपिस्तिस कर दिया, इनका दिल अविश्वास से, अनबिलीफ से भरा है। फिर पलूस कहता है पोर्निया कर दिया, इनका दिल बुराई से भरा है, इसलिए वो कनान में नहीं गए। तो प्रेरित जो मैं विश्वास करता हूँ, प्रेरित पलूस ने हिब्रूज लिखी है, तो प्रभु का बंदा क्या कहता है, कहता है कि जैसे वो नहीं जा पाए, हम भी ध्यान करें। हमें भी कनान में जाना है ना, यीशु मसीह आएगा, हमें उड़ा के लेके जाएगा। लेकिन आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा, जब भी यीशु मसीह ने उन लोगों का जिक्र किया जो उड़ा के उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा दो चक्की पीसती होंगी एक जाएगी, दो बिस्तर में सो रहे होंगे एक जाएगा, यीशु मसीह ने कहा दो खेत में काम कर रहे होंगे एक जाएगा। फिर यीशु मसीह ने यही मिसालें दी, यीशु मसीह ने 10 कुंवारियाँ बताई, लेकिन कितनी गई, 5 गई। कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा अपोस्टेट है, जिसका यीशु मसीह के संग रिश्ता नहीं है, वो ईसाइयों की मंडली है लेकिन यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है, हालेलुया। दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है, उस दुल्हन को जिसके अंदर रोशनी जल रही है, हालेलुया। कुप्पियों में तेल नहीं था उन 5 के, ये है कुप्पी, ये शरीर आपका, इसके अंदर खालिस जैतून का तेल चाहिए, शिमिन, हिब्रू वर्ड है शिमिन, हालेलुया। 10 अध्याय यशाया नबी की किताब में लिखा, द योक शैल बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग, अभिषेक के कारण जुआ टूटेगा, फैट के कारण, उसके लिए हिब्रू वर्ड है, मासा नहीं है हिब्रू वर्ड वहाँ पे, वहाँ पे हिब्रू वर्ड है शिमिन, थिक गाढ़ा जैतून का तेल, गाढ़ी खुदावंद की हजूरी जो आपकी हड्डियों में वास करती है, उसके कलाम की कुदरत जो आपकी बोन मैरो में। आपको मालूम कलाम का, परमेश्वर के कलाम का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है आपके अंदर, आपका बोन मैरो। इब्रानियां 4:12 पढ़िए, बोन मैरो में जाके रहता है कलाम। जब आप बकरे का मीट खाते हैं ना, वो हड्डी चूसते हैं ऐसे करके, वो जो बोन, वो बोन मैरो होती है, उसके सेंटर में कलाम जाके रहता है यहोवा का, अगर वहाँ पर सेटल होगा कलाम, हालेलुया। तो इब्रानियों की पत्री में 3 अध्याय में यह कह रहा है कि ध्यान करो, तुम्हें भी तो जाना है, इसराइल तो नहीं पहुंच सका, तुम्हारे लिए भी वायदा अभी बाकी पड़ा है यहाँ आराम में जाने का। तो आपको मैंने बताया था ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट, ये जो चैप्टर डिवीजन है ये ओरिजिनल कैनन में नहीं है। ओरिजिनल कैनन में जो हिब्रू स्क्रिप्चर्स हैं वो स्क्रोल्स की फॉर्म में है, न्यू टेस्टामेंट में ग्रीक में है, यो स्क्रोल की फॉर्म में है, ये 5th-6th सेंचुरी में। हर एक बुक, एक बुक
इट इज लाइक फ्लोइंग इन 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 पूरे एक फ्लो के अंदर लिखी गई, चैप्टर नहीं है। तो तीन अध्याय और चार अध्याय एक ही है। इब्रानियों 3:19 में क्या कह रहा है कि ध्यान करो, उसके ऊपर रिलाय करो, यहोवा पे डिपेंड करो। और चौथे वचन में क्या कह रहा है, देयरफॉर व्हाइल द प्रॉमिस ऑफ एंटरिंग हिज रेस्ट स्टिल होल्ड्स एंड इज ऑफर्ड टुडे, जो इज़राइल को आराम में कथापोसिस साबाटिस्मोस वर्ड नहीं है वहाँ पे, जो लोग सबत सबत की बात करते हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट स्टडी नहीं करते। ओरिजिनल टेक्स्ट में इब्रानियों 3 और 4 में परमेश्वर का दास सबाटिस्मोस की बात नहीं कर रहा, सबाटिकल, सबाटिस्मोस वो सबत जिसे यहूदी लोग मानते थे, वो बात कर रहा है कथापोसिस की। कथापोसिस का मतलब आराम, विश्राम। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आराम यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में हमें मिलता है। तो प्रभु का दास कह रहा है कि हमारे पास भी वायदा अभी बाकी है, हम आराम में दाखिल नहीं हुए। कहता है वो ऑफर हमें दी गई है आराम में जाने की। तो क्या कहता है, लेट अस देयरफॉर बी अफ्रेड, आइए हम डरें। बहुत सारे मसीह लोग तो डरते ही नहीं है, यहोवा का पवित्र भय उनके अंदर है ही नहीं। द सेक्रेड ऑ ऑफ गॉड इज नॉट इन देयर हार्ट्स, दे डोंट फियर गॉड, दे डोंट रिवियर हिम। पलूस कहता है भैया थोड़ा डरिए। केवल पहला तिमोथियस 1 अध्याय का 5-6 वचन मत कोट कीजिए, द गॉड हैजंट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। आपको मालूम वो जो वचन है जहाँ पे तिमोथियस को पलूस पत्री लिख के कहता है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। डर के लिए बाइबल में डर के लिए ग्रीक वर्ड है फोबिया, फोबियोस, फोबिया, फोबियोस ग्रीक वर्ड है ये, नाउन और वर्ब की फॉर्म में। फोबिया वही वर्ड है जो लोगों को फोबिया होता है ना, हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से जो डरता है, एरोफोबिया जो ऊपर जाने से डरता है, हमाटियोफोबिया जो खून को देख के डर जाता है, ये साइकोलॉजिकल टर्म बता रहा हूँ आपको। 365 किस्म के फोबिया हैं साइकोलॉजी बताती है, साइकेट्रिस्ट बताते हैं 365 फोबिया हैं। खून से जिसे डर लगता है हमाटियोफोबिया, पानी से जिसे डर लगता है हाइड्रोफोबिया, जिसे वर्टिगोफोबिया, जिसे ऐसे ऑल्टीट्यूड से डर लगता है वर्टिगोफोबिया, ये 365 फोबिया हैं। 365 बार यहोवा अपने कलाम में क्या कहता है, मत डर। हर फोबिया को यीशु मसीह ने, आपको मालूम सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में वो है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। सबसे ज़्यादा बार परमेश्वर ने ये कमेंड दिया है हमें, डू नॉट फियर, 365 टाइम्स। सम कैलकुलेट दे से दैट इट इज़ 366 टाइम्स। इन वन प्लेस इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिट, रादर इन वेरी इनडायरेक्ट टर्म। सो मैनी कंप्यूट दैट गॉड सेज 366 टाइम्स डू नॉट फियर बिकॉज देयर इज़ अ लीप ईयर विच हैज़ 366 डेज। सो एवरी फोबिया गॉड negates with this word. Every phobia is decimated. You don't have to be in depression and all kind of psychic troubles. If you come to the Lord, the Holy Spirit will flood your sukhoi, your psychic person, and flood your sukhoi. Sukhoi ka matlab jahan se word nikalta hai, psychology. Sukhoi ka matlab hota hai jaan. Prayut Palus batata hai hum triyek prani hai, hamara sharir hai, is deh mein hum rehte hain, लेकिन हम हैं आत्मा। आई एम अ स्पिरिट एंड आई हैव अ सोल बट आई लिव इन अ बॉडी। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पास एक प्राण है लेकिन मैं देह में रहता हूँ। ये जो देह है ये है सराक्स, और जो मेरी जान है वो है, से इंग्लिश का वर्ड निकलता है साइकोलॉजी, मेरे अंदर एक, लेकिन मैं आत्मा हूँ। आत्मा के लिए ग्रीक वर्ड है न्यूमा, न्यूमेटोलॉजी आपने सुना होगा वर्ड, न्यूमेटोलॉजी आत्मा, हालेलुया, न्यूमा। मैं त्रिएक प्राणी हूं, आप त्रिएक प्राणी हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर का दास क्या बता रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है यहां पे कि हमारे पास भी अभी प्रॉमिस बाकी है। वी हैवंट एंटर्ड इनटू कथापोसिस, we haven't entered into the rest of God, kathapossis, we haven't entered where God would say just settle down, my daughter, my son, don't wrestle,
just nestle. We have to enter into that rest, and our rest is Jesus of Nazareth. हालेलुया। आपको मालूम जो प्रेरित पौलुस लिखता है पहले तिमोथियस की पत्री में, मानी दिया वहां पे फोबिया वर्ड नहीं है, वहां पे वर्ड है डीलिया। डीलिया का मतलब होता है टू गेट इंटिमिडेटेड। तिमोथियस बहुत शाही किस्म का बंदा था और इफिसस की कलीसिया का पासवान बन गया और बहुत यंग था, और इफिसस की कलीसिया में यूहन्ना भी था, यीशु मसीह की माता मरियम भी थी, और यरूशलम की कलीसिया के कई प्राचीन लोग थे। वो बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े मतलब आत्मिक जिसे आप कहें योद्धा थे, सीनियर थे, एल्डर थे। तो तिमथी थोड़ा सा इंटिमिडेट होता था, तो पलूस उसे लिख रहा है डू नॉट बी इंटिमिडेटेड। डीलिया वर्ड है वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया अपनी सामर्थ का। वो अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस करता था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता था कि मैं बहुत यंग हूँ और कलीसिया के अंदर लोग तो बहुत आत्मिक हैं, क्योंकि उनमें से वो लोग थे जो जब यीशु मसीह धरती पे सेवा कर रहा था वो उसके संग थे। तो ये शब्द ले, तो खैर मैं आपको इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में लेके आता हूँ। देयरफॉर व्हाइल द प्रॉमिस ऑफ एंटरिंग हिज रेस्ट स्टिल होल्ड्स एंड इज ऑफर्ड टू अस टुडे, जो ऑफर यहोवा ने इसराइल को दी थी ना मेरे आराम में दाखिल होने की, वो आपको और मुझे दी गई। अभी हम घुसे नहीं है वहाँ पे, अभी आप और मैं गिनती की किताब में हैं। हम भी अपनी जर्नी कर रहे हैं, डेली जर्नी चल रही है। तो ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि जो गलतियाँ इसराइल ने की वो हम ना करें, जो खड्डों में वो गिरे, वो खड्डे अब हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें हम ना गिरें। तो कहता है ये वायदा हमारे लिए भी है, इसलिए हम डरें। क्या करें? एक स्वस्थ डर चाहिए आपके अंदर यहोवा का। बहुत सारे लोगों के लिए यीशु मसीह टू फेमिलियर है। दैट ओवर फेमिलियरिटी इज किलिंग मैनी पीपल, बिकॉज पीपल लूज द ऑ ऑफ हु जीसस इज, दे लूज द ऑनर ऑफ हु जीसस इज, एंड दे डोंट ऑनर हिम, एंड दे डोंट स्टैंड इन द ऑ, एंड दे डोंट वर्शिप हिम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फादर आई ब्लेस नीलम, ब्रदर ललित मेहराज रिक्वेस्ट, आई ब्लेस हर through the precious blood of the Lamb. Right now I pray, Lord, that the blessing of the blood will fall upon Neelam in Jesus' name. तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई और बहनों कि क्या लिखा है, आगे क्या लिखता है दूसरे समय। Lest any of you should think that he has come too late and has come short of reaching it. कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे में से कोई रह जाए। कहीं ऐसा ना हो। फियर, डरें इसराइलियों को, तो अपने दिल में डरें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आराम में ना घुसे, कैटापोसिस में ना घुसे। की धरती में यहोवा आपकी जंग जीतेगा। ये प्रभु यहोवा तो कहता है ना बल से ना शक्ति से, पर ये आपने असूम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने शोल्डर पे ली है। यहोवा कहता मैं तेरी जंग, तेरी लड़ाइयाँ लड़ूंगा, लेकिन कब? अगर तू मेरे पीछे चलेगा, अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, अगर तू मेरे वचन के अनुसार जीवन जिएगा, तंग मार्ग से प्रवेश करेगा, हुडोस मार्ग, तंग थलीबो हुडोस, तंग मार्ग से और सकरे पथ पे चलेगा, अगर डेली क्रॉस उठाएगा, अपने देह को पवित्र जीविता मन पे चढ़ाएगा, अगर मेरी इच्छा ढूंढेगा प्रतिदिन, अपनी इच्छा नहीं मेरी इच्छा प्रभु कहता है ढूंढेगा, अगर अपने आप का इनकार करेगा और प्रभु कहता है तंग पथ पे चलेगा, तो क्या कहता है प्रभु? हालेलुया, क्या कहता है? कहता है प्रभु, कहता है डरना। 4:1 में आगे 2 वचन पढ़ता हूँ। फॉर इंडीड वी हैव हैड ग्लैड टाइडिंग द गॉस्पल ऑफ गॉड प्रोक्लेम्ड टू अस जस्ट एज ट्रूली एज द इज़राइलाइट्स ऑफ द ओल्ड डिड व्हेन द गुड न्यूज ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम बॉन्डेज केम टू देम, बट द मैसेज दे हर्ड डिड नॉट बेनिफिट देम बिकॉज इट वॉज नॉट मिक्स्ड विद फेथ।
with leaning of the entire personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom and goodness by those who heard it, neither were they united in faith with the ones, Joshua and Caleb, who heard and believed. तो क्या लिखता है, इसे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ये अभी समाप्त नहीं होगा. कहता है, जैसे आपको और मुझे सुसमाचार सुनने के लिए मिला है, ये गॉस्पल मिली है, यही गॉस्पल इसराइलियों को सुनाई गई. लेकिन इसराइलियों को इस गॉस्पल का फ़ायदा नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ. आपको मालूम क्यों? बिकॉज उन्होंने ईमान इसके अंदर ब्लेंड नहीं किया. पिस्टिस, पिस्टिस का मतलब विश्वास. उनके दिल थे, कैसे दिल थे, अपिस्टिस कर दिया, अनबिलीविंग हार्ट. इसलिए उनको बेनिफिट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा की सामर्थ पे विश्वास करने से इनकार कर दिया. उनको लगा ये दानवों से भरी धरती हमें नहीं मिल सकती, हम तो टिड्डों की मानिंद, हम तो नाश हो जाएंगे. भाई और बहनों, अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करो और यहोवा की शक्ति और बल पे भरोसा करो. अपनी भुजाओं की ताकत से काम करना बंद करो. आप इतने स्मार्ट नहीं हो, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो. अपने करिश्मा पे, बहुत सारे लोग अपने करिश्मा से मिनिस्ट्री करते हैं कि मेरे को ये वरदान है, मेरे को वो वरदान है, मुझे ये करिश्मा. अरे भाई, कुछ नहीं है ये वरदान. The unspeakable gift of glory is Jesus. सबसे बड़ा वरदान है यीशु मसीह. अगर यीशु मसीह को तूने जान लिया, पहचान लिया, वो उसकी हजूरी अगर अधिकाई से तेरे अंदर वास कर रही है, सबसे बड़ा वरदान जीसस है. हालेलुया. डोंट बिल्ड योर सेल्फ ऑन कैरिस्माटा. फल, फल पैदा कर प्रभु के लिए, फल. हालेलुया. लोग गिफ्ट के पीछे भाग रहे हैं, फल के. यीशु मसीह फल खाने आता है. वो फल की आस रख के फिग ट्री के पास गया, लेकिन उसमें फल नहीं था. हालेलुया. तो भाइयों और बहनों, भरोसा करें उस पे, वो आपके शत्रु. मैंने अपने जीवन में कन्फेस किए कुछ एरिए जहाँ पे मैंने प्रभु पे भरोसा नहीं किया था. मेरे जीवन में वो एरिए कॉन्कर नहीं हुए, वो किले फतेह नहीं हुए, क्योंकि मैंने, मेरे अंदर अनबिलीफ आ गया. मैंने अपने अविश्वास के लिए क्षमा मांगी, तौबा की परमेश्वर के आगे. आप भी तौबा करें. हालेलुया. अविश्वास से भरा दिल आपको वायदे की धरती में नहीं जाने देगा. पाप से भरा दिल, पोर्निया कर दिया, बदकारी से भरा दिल आपको आपके वायदे की धरती में नहीं जाने देगा, जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जहां आपकी मिरास है, जहां पे आपके प्रॉमिसेस हैं, जहां पे आपकी आशीषें हैं, वहां दाखिल नहीं होने देगा शैतान आपको. और आपको मालूम क्या प्रभु ने कहा अपने वचन में? कर दिया सक्लोरोसिस. अपने दिल कठोर मत करना. आज जब आप उसकी आवाज को सुन रहे हो, परमेश्वर की भुजाओं के ऊपर ऐसे छोड़ दो, फेंक दो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में. लीन ऑन हिज एवरलास्टिंग आर्म्स. ही इज ग्रेटर देन एनी जायंट दैट यू आर फेसिंग. ही इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर लाइफ. ही इज मच मच बिगर देन एनी सिकनेस और डिजीज. ही इज मच मच बिगर देन एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव. सो लुक ऑन हिम. जैसे मूसा ने सांप को उठाया, जिसने उसे देखा वो चंगा हो गया. यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6:40 में कि जो यीशु मसीह की ओर ऐसे देखेगा वो जीवन पाएगा. अपनी आंखें यीशु पे लगाएं. सामर्थी, जीवित, मुर्दों में से जी उठे जलाली यीशु के ऊपर. थैंक यू. द लॉर्ड ब्लेस यू. प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे. मैं आप सबके लिए प्रार्थना. फादर, आई ब्लेस एवरी वन दैट इज ऑनलाइन. डेजी वीएस, राकेश कुमार, I pray for Neelam once again that your blood will cover her. And I pray for Sunita Kaur, your daughter. I cover her under your blood. I pray for Samina Ashraf. I cover her under your blood. I pray for Harpal Bajwa and family. Cover them under your blood. I pray for Sabi Surjeet and their whole family. Every member, all their loved ones. I bring Daisy V.S. at the foot of the cross. I pray for Suresh Kumar and his wife and his household. I cover them all under the blood of Jesus. Father, I pray for Tunuja Seth and her household. May you bless each and every person in their household. Bahadur Singh Akash, I speak blessing. Speak blessing over Sukhdev Singh Siddhu. I
Speak your blessing, Father, over Manpreet Kaur from Australia. May you bless her. Lord, may you reveal your love and your grace and your glory to her. Show her your face, Jesus, I pray. I pray, Father, for Devinder Kullar and her family and her household. I speak your blessing over them. Lord, I bless Cecilia Romer. I speak your blessing. Tere khoon ki kudrat ko kholta hun. खुदावंद ललित मेहरा भाई पे रमन खान पे आपके लहू की कुदरत खोलता हूँ खुदावंद पे आपके खून की कुदरत को खोलता हूँ उनके घराने पे आपके लहू खोलता हूँ खुदावंद जसपाल सिंह की बीवी को आपके खून में मैं छिपाता हूँ खुदावंद खुदावंद मैं भाई महेश के लिए जो दिल्ली से हैं आपके हजूर में फिर दुआ करता हूँ देवेंद्र कुलर के हस्बैंड को आपके खून में छिपाता हूँ खुदावंद मैं एक एक जन को जो मुझे अभी दिखाई नहीं भी दे रहे उन सबको तेरे खून में छिपाता हूँ तेरे लहू की आशीषें बरकतें एक एक के जीवन पे आके ठहर जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपके दिल में परमेश्वर डाले, आप कोई बीज बोना चाहें, ऑफरिंग देना चाहें, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल लेट यू नो, यू कैन सो अ सीड एंड गॉड विल ब्लेस यू। ब्रदर मलकिया सिंह गिल को मैं आपके खून में छिपाता हूँ। गौरव सैमुअल को आपके खून में छिपाता हूँ। इनके घरानों पे आपकी बरकत हो खुदावन। आई स्पीक ब्लेसिंग। तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम इस स्टडी को एंटरिंग द रेस्ट। यीशु मसीह हमारी रेस्ट है। खुदावन डॉटर को अपने खून में छिपाइए, आशीषित कीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हम